गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हैप्पी छोटी होली और वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने। देखो गाइस मैं चाय बना रही हूँ अभी और चाय बन रहा है। देखो बना रही हूँ और आज जो है होली का जलाई जाएगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कौन कौन एक्साइटेड रहता है होली का जलाने के लिए तो आप भी बताइए। गाइस मैंने अभी अभी अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे अभी अभी उपटन लगवाने जाना है। हमारे में एक कल्चर होता है कि मतलब राई का जो है पूरा पेस्ट बना के उसको जो है अपने पूरे बॉडी पे लगाया जाता है, जिससे मतलब हमारे पूरे अंदर के जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव जो रहते हैं ना सारे, वो सब जो है होलिका दहन में जो है जला दी जाती है। तो वही हम लोग के घर में सब लोग मतलब मम्मी के हाथ से करवाते हैं। मेरी मम्मी गाना गाना चाहती है, गाओ मम्मी। होली खेले रघुबीरा वंदन में, होली खेले रघुबीरा राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम उली मेरी बुआ आ गई और सोनल भी आ गई है लगवाने के लिए। इसको बुलाई नहीं थी फिर भी चली आई, बोली मेरे को भी लगा दो। चलो कोई बात नहीं आ जाओ लगाने के लिए। मेरी मम्मी तो फ्री बैठी हुई है। हैं भाई तू जा बहुत, तुम्हें नको लगाओ। मैं नहीं लगाती गाइस। देखो मैं उपटन लगवा रही हूँ और ये भी इसका जो भी थोड़ा थोड़ा गिरेगा ना वो उसका हम लोग जो है पाउच में भर के क्या मम्मी करेगी उसको होलिका में जो है जला देंगे। उसी क्यों जलाती है मम्मी बता सबको? हमारे सब में परंपरा है। हाँ हमारे सब में परंपरा है। क्या है परंपरा? परंपरा के लीची जाता है होलिका। क्या जाता है? लीची। लीची इसको लीची बोला, इसको लीची बोला जाता है। गाइस जो जो यूपी वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे, बाकी लोग तो नहीं समझ पाएंगे। अगर उनके में कल्चर होगा तो जरूर समझ जाएंगे। होली खेले रंग बीरा हिल मिले आवे लोग, में इश्क लड़ाए तनिक शर्म नहीं आए, देखे नहीं अपनी उमरिया। अभी तू भी गाना यही वाला गाना, तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया। गाइस चिल आउट, आप भी करो अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ हैशटैग। अब अपने फेस का जो है क्या करने है उसको क्या बोलते बुआ? फेशियल करने का है। इससे करने से ना अपने चेहरे पे ग्लो आता है। आप लोग पूछते हो ना मुझे कि तेरे चेहरे पे ग्लो कैसे आता है, ये इसी से ग्लो आता है। आज के दिन लगा रही है और रोज फेशियल ग्लो आता है। हाँ गाइस मैं आज के दिन लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कोई चिल्ला रही है अभी गाइस, आंचल की पारी है मतलब उसका करने का, क्योंकि मेरे भाई का हो गया है आंचल का टाइम है। इधर कुछ नहीं। गाइस देखो अभी मेरा हो चुका है और अभी आंचल जो है अपना जो है क्या कर रहा रही है, मालिश करवा रही है। गाइस ये देखो मेरे चेहरे पीले पीले पड़ गए हैं, पीले पीले पड़ गए हैं। ये देखो गाइस क्या करवा रही है, ये कैसे करवा रही है देखो इसको। और मेरी बुआ भी बना रही है नाश्ता क्योंकि वो बोली जब तक तुमने उपटन लगवा रही हो तब तक मैं बना लेती हूँ नाश्ता। क्या बना रही है बुआ? पोहा। ओ मुझे बुआ के हाथ के पोहा बहुत पसंद है सच में। वो जब आती है तो मुझसे पोहा, मतलब मैं उनसे पोहा बनवाती हूँ क्योंकि उनके हाथ में पोहा बहुत पसंद है। मेरी मम्मी मुझे चिल्ला रही है, बोल रही है केक की जगह बैठ क्योंकि मेरे अपने मतलब हाथ में पूरा हल्दी हल्दी और पूरे पैर में हल्दी हल्दी हो गया है ना, तो पूरे घर में बोल रही है कि किच्ची मत कर, मेरे तो मेरे को ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए वो बोली कि बालकनी में आके बैठ जाओ, तो हम लोग बालकनी में आके बैठे हैं और अभी आंचल देखो करवा रही है अपना मालिश। मेरी मम्मी थक चुकी है बहुत फिर भी वो कर रही है ना मम्मी? थक गई है तू? तू बहुत थक गई है। हाँ अभी ये सोना की मम्मी तेरा करेगी मालिश। ये करेगी सोना की मम्मी का तेरा उनका।
गाइस मैं नहा ली और खाना भी खा ली और अभी जा रही हूँ मैं अपने भाई का क्लास खोलने। ऑलमोस्ट आज छुट्टी थी बट टेंथ का जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं बोर्ड्स के, तो इसके लिए उन लोगों का रिवीजन लेक्चर्स चालू है, इसलिए टेंथ वालों के लिए हम जा रहे हैं हम क्लास खोलने। सो गाइस मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी इसलिए मैं घर पर आके सो गई थी और अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि शाम हो गई है, बज रहा है 5 और मम्मी का कॉल आ गया था तो इसलिए मैं उठ गई थी, वरना मैं तो जल्दी उठती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ही 3:30 बजे सोई। गाइस बाहर का क्लाइमेट ना बहुत अच्छा बना हुआ है, इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, देखो बहुत सुंदर एकदम क्या बोलूँ मैं आपको, देखो व्यू मस्त आ रहा है एकदम, देखो बहुत मस्त हवा आ रही थी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हो रही है या तो बारिश का सीजन आ गया, हम लोग सो रहे थे तो मुझे मैंने बोलती बारिश हो रही है क्या, नहीं ऐसा लग रहा था, तो जोर से हवा आ रहा था, आंधी आ रही थी, आंधी पांधी आ रही थी एकदम। देखो मैं दिखाती हूँ कहीं से, देखो वैसे देखो बहुत ज़ोर से, ऐसा इसमें क्लियर नहीं आ रहेगा, बहुत ज़ोर से हवा आ रही है, देखो देखो गाइस पूरा धूल धूल हो चुका है, धूल धूल एकदम मस्त लग रहा है, सिर्फ मेरे को ऐसा क्लाइमेट बहुत मस्त लगता है। ये ले मेरे मम्मी ने चाय जो है छान दिया है ग्लास में, मैं हमेशा कटोरी में चाय पीती हूँ गाइस और मम्मी ग्लास में पीती है और भाई के लिए जो है हम लोगों ने केतली में चाय ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं पीने। यो गाइस 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 देखो तो जोर से देखो कैसा धूल धूल कैसे हो गया एकदम दिख नहीं रहा है, देखो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे दूसरे वाले बिल्डिंग में जहाँ मेरे भाई का क्लास है, देखो इतनी जोर से हवा आ रही है मेरे बाल आगे से पीछे हो गए, बहुत मस्त हवा आ रही है गाइस आप देख सकते हो, देखो दिखाती हूँ बैठ के हमेशा वैसे हवा दिख नहीं रही, हवा महसूस की जाती है इतनी जोर से आ रही है, अगर आप इसमें मतलब अगर आप अच्छे से सुनोगे ना तो वॉइस जा रही रहेगी हवा की, है ना मम्मी, बहुत तेज हवा आ रही है ना, बहुत आई गिर ही गया है, देखो इतना धूल उड़ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज हवा आ रही है, बहुत मस्त लग रहा है, आज होलिका जलेगी और कल होली होगी, हाँ आज भी त्योहारों के दो दो डेट्स निकल चुके हैं, यहाँ 6 और 7 हो रहा है तो कहीं 7 और 8 हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं, बहुत आ रही है, मैं परेशान हो गई हूँ। तू क्यों परेशान हो गई मम्मी? आँख में पड़ रहा है धूप। अच्छा हिंदी बोल, हिंदी भोजपुरी मत बोल। ऐसा है हाँ धूप, हाँ हुआ बंद हो गया धूप बंद हो गया, तो क्या बोले तुझे कुछ समझ में आ रहा है? तू बोल मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ही बोल रही है उनको मैंने बोला कुछ शब्द बोलने के लिए तो धूप बंद हो गया, अब आ रही है आँख में धूल जा रही है कुछ ही बोलती है ना मम्मी। इस देखो बारिश होने लगी, आप देख सकते हो नीचे अभी दिखेगा नहीं आपको पर देखो बारिश हो रही है गाइस, जैसे बारिश हो रही है गाइस, मैं अभी घर पे आ गई और मैं फ्रेश होके अब हाथ पैर धो के अभी जा रही हूँ मेरे सारे कपड़े जो है फोल्ड करने, तो मैं फोल्ड करके बात करती हूँ आपसे। तो गाइस पापा भी काम पे से आ गए हैं और अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी चाय बना के भी बैठी है और मैं जो है चाय पी रही हूँ, मैंने बिस्किट खा लिया है और आप सब बताइए आप लोग शाम को क्या चाय नाश्ते में करते हैं।
सो गाइस मुझे बताओ कि सबके यहाँ क्या क्या होली का प्रोग्राम हो रहा है, मतलब मेरे यहाँ तो अभी होली का दहन होने वाली है। गाइस मेरी मम्मी बोल रही है कि अभी मैं जा रही हूँ पापा को उबटन लगाने, तो तू जाके सारा काम कर दे। आई मीन काम नहीं करना है मुझे, सिर्फ बर्तन धोना है, ग्लास और चाय का कटोरी। तो क्या करना है मुझे? ओ मुझे सिर्फ किचन की लाइट बंद करनी है, इतना बड़ा काम मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया है, थैंक यू मम्मी। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं नीचे भाजी वगैरह लेने को, क्योंकि कल बनेगा कुछ ना कुछ स्पेशल मेरे घर में। तो क्या लेना है ये मम्मी भाजी में? अभी मम्मी बोल रही है कि अभी देखती हूँ क्या बनेगा मेरे घर में। वैसे दिवाली क्या होली के दिन तो पूरन पोली बनता है, कचौरी बनता है आलू का। गाइस हमारे यहाँ रोड बन रहा है तो पार्टीशन डाल दिया गया है, एक साइड सिर्फ जा सकते हैं, इसलिए जो है रोड पे जो है बहुत सारी गर्दी मच गई है, मतलब क्या बोलूँ आपको। इसलिए हम लोग जो है इस साइड से जा रहे हैं एकदम, क्या क्योंकि उस साइड से जाएंगे तो मेरे को लगता है कोई हम मेरे को धक्का मार देगा गाड़ी से, तो मैं उड़ ही जाऊँगी। गाइस देखो हमारे बेचारे बिल्डिंग पे जो है गाना बज रहा है रंग बरसे, और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। सो बाय बाय गाइस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। हैप्पी होली।